गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप 30 प्लस हो, जी हाँ, अगर आप 30 प्लस हो तो ये वीडियो जरूर आपके लिए है। नॉर्मली 30 के बाद हमारी स्किन में डलनेस आ जाता है और स्किन लूज भी हो जाती है, झुर्रियाँ आ जाती है, स्कार्स आ जाते हैं। तो 30 के बाद नॉर्मली हम वुमन्स खुद पे इतना ध्यान भी नहीं रखते हैं। घर गृहस्थी में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमको हमारे खुद पे ध्यान देने के लिए हमारे पास 5 मिनट्स भी नहीं होते। प्लीज़ आप ऐसा ना करें, अपने खुद पे आप ध्यान दें। एटलीस्ट दिन में 5 मिनट्स या वीक में 15 मिनट्स आप खुद के लिए निकालें। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा फेस पैक बताने वाली हूँ आज, जो नॉर्मल आपके किचन में रहता है, नॉर्मल सबके घर में रहता है। तो जी हाँ, तो आज मैं एक फेस पैक बताने वाली हूँ राइस फ्लावर का। जी हाँ, राइस फ्लावर हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, और राइस फ्लावर हमारे स्किन के लिए, राइस फ्लावर, राइस वाटर हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलो, मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ राइस फ्लावर का फेस पैक। जी हाँ, और इसको आप ज़रूर वीक में एक या दो बार या दिन में भी आप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ राइस फ्लावर का फेस पैक। जी हाँ, और इसमें क्या क्या ऐड होने वाला है वो भी हम देखेंगे। तो चलो, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। और मेक श्योर कर ले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और जो बाजू में बेल आइकॉन होता है उसको भी प्रेस कर ले, कि ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो, वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ मैंने लिया है चावल का आटा 1 टीस्पून, इतना इनफ है मेरे फेस के लिए। और इसमें हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। जी हाँ, एलोवेरा जेल हम थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स करेंगे। अगर आपके पास इसेंशियल ऑयल हो तो आप इसमें मिक्स कर सकते हो, इसेंशियल ऑयल ऑप्शन है। जब तक ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाता तब तक आप थोड़ा थोड़ा एलोवेरा जेल डालते रहिए। आप थोड़ा थोड़ा एलोवेरा जेल इसमें डालें जब तक ये फेस पैक के लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए। यहाँ देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, डायरेक्टली एक साथ नहीं डालना है हमें, थोड़ा थोड़ा ही डालना है। और आप यहाँ देख सकते हैं, अभी मैं चेहरे को लगा सकती हूँ, इतना ये स्मूथ हुआ है। तो यहाँ मैं मेरे चेहरे पे जितना भी मेकअप था मैं ऑयल से निकाल ले रही हूँ, कोकोनट ऑयल से। कौन सा भी फेस पैक लगाने से पहले आपको आपका फेस अच्छे से फेस वॉश करना चाहिए, और जितना मेकअप हो उतना निकाल देना चाहिए। अब मैं अप्लाई करूँगी ये फेस पैक। और आप सबको मालूम होगा चावल में बहुत सारी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ और एंटी वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है, और साथ में एलोवेरा जेल, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है हमारी स्किन के टाइटनिंग के लिए। चावल का आटा और चावल का जो वाटर होता है उसमें बहुत सारी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो आप ये ज़रूर यूज़ करें आपके फेस पर। और आप यहाँ देख लीजिए, मैंने अच्छे से मेरे फेस पे लगा लिया है फेस पैक, और आफ्टर 20 मिनट्स मैं इसको धो दूँगी। और जब आप फेस पैक लगाए तभी कभी आप बोले ना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है फेस पैक लगाने का। आफ्टर 20 मिनट्स में इसको थोड़ा सा जेंटली रब करूँगी, अपने आप ये खुद निकल जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ये सूखता है वैसे वैसे ये निकल जाता है, देख लीजिए आप इस तरह से। मैंने चेहरे पे से सब चावल का आटा निकाल दिया है, देख लीजिए आप, अपने आप वो निकल जाता है। और इससे आपकी स्किन स्मूथ भी बहुत हो जाती है। तो चलो, अब मैं कर लेती हूँ फेस वॉश। आफ्टर फेस वॉश आप मेरी स्किन देख सकती है कितनी स्मूथ और ब्राइट हुई है। ये फेस पैक बहुत सही में बहुत यूजफुल है, बहुत इफ़ेक्टिव फेस पैक है।
मेरे यहाँ स्किन पे कोई मेकअप नहीं है, मैंने ओनली टैप वाटर से मेरा फेस वॉश किया है, कोई फेस वॉश यूज़ नहीं किया है मैंने। और आई होप ये आपको ज़रूर इफ़ेक्टिव रहेगा, तो प्लीज़ आप इसे वंस अ वीक तो ट्राई करें। ये फेस पैक अच्छा लगा होगा और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय।